अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर की। आपकी राशि से तो सारे ग्रह बहुत ही उम्दा हैं, सप्तम भाव में हैं और वहाँ पर गुरु भी है, शनि भी है, सूर्य भी है, बाद में शुक्र भी, बुध भी, उन सबका प्रभाव आपकी राशि पर है। जब भी गोचर में सप्तम भाव जीवंत हो जाता है या एक्टिव हो जाता है, लाइवली हो जाता है, तो वो आदमी में बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा भर देता है। आपका कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे होगा और आप उन सारी चुनौतियों को अब अंडरटेक करना चाहेंगे, उनको हाथ में लेना चाहेंगे जिनको लेकर आपके मन में कभी दुविधा रही हो, तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। नई पार्टनरशिप हो सकती है, नई एसोसिएशन हो सकती है। अगर अविवाहित हैं और विवाह की तैयारी में हैं तो विवाह होने का योग भी है और विवाह के तय होने का योग भी है। कुछ लोगों के लिए प्रेम प्रसंग का भी संयोग बन रहा है। कुल मिलाकर अच्छा समय है और इस समय का सदुपयोग आपको अवश्य करना चाहिए। आपका जो शुभ रंग है वो है सफ़ेद और आपका जो नंबर है वो है 5। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।